तो जी ये है नेक्स्ट डे, और ये देखिए हमारे त्रिशान जी आज ये बैठे, इनकी तबीयत एकदम देखो, इनका बच्चे का चेहरा एकदम उतर गया है क्योंकि इनकी तबीयत एक हफ्ता हो गया एकदम खराब है। अब मुझे देखिए, त्रिशु नीचे सामान रखा है, वो ही देख रहा, ये देखो ये देखो चुगु, त्रिशु अपने भाई को देख रहा है, तक्ष ये बैठे है ना अपना काम कर रहे, तो उन्हीं पे इनकी नजर है ना, किन पे नजर है, किन पे, चेहरा उतर गया उसका एकदम से, इतने दिनों से बीमार है ना वो, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इनकी चिकलू की तबीयत ठीक नहीं, चिकलू की है ना, चिकलू की तबीयत ठीक नहीं है, चिकलू ले लो भाई तुम ले लेना, कोई बात नहीं, पहले इधर देखो, उनको पेंसिल बॉक्स रखा हुआ है ना, इनकी नजर उसी पे पड़ी है, मुझे ले लेना, अच्छा सुनो तो ये ले लेना, ये देखो पहले, उनको लो नहीं देखना है, उनको नीचे ही देखना है, है बेटू, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो ये हो रहा है अगले दिन नेक्स्ट डे मॉर्निंग का, और मैंने इतना काम कर लिया है, अभी सब कपड़े मैं सेट कर रही हूँ, त्रिशान के सब कपड़े फैले थे ये ऊपर नीचे जो भी था, मैंने अभी अलमारी ठीक करी है, अभी ये हैंगर वाले कपड़े टंगे हैं ना तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, ये सब भी अभी एडजस्ट करूंगी, बट उसके इतने कपड़े मैंने निकाल दिए, ये देखे मुझे देने हैं किसी को, कोई छोटा बच्चा, क्योंकि ये तक्ष के थे कपड़े, उसके बाद मैंने, और अभी बताती हूँ आपको, ये देखिए यहाँ पे भी कपड़े, अभी सफाई चल रही है, इसको भी ठीक कर लेती हूँ, और अभी ना मैं पूरा घर अभी ऐसे ही फैला है, मॉर्निंग का टाइम है, तक्ष के पापा ऑफिस गए हैं, तो ये देखिए पूरे घर की क्या हालत हो रही है, अभी टॉय वॉयज बॉक्स यहाँ रखे हुए, दवाइयाँ सब ऐसी पड़ी हुई है, क्योंकि त्रिशान की तबीयत ठीक नहीं थी ना, मैं एक बार आपसे आके बात कर, तो त्रिशान की तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो फिर बहुत सारे काम मेरे बहुत दिन के पेंडिंग हैं, तो फिर अभी मैं धीरे धीरे करके निपटा रही हूँ, कपड़े ना सर्दियों में आप देखते हैं बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और बच्चा बीमार रहता है ना, तो कुछ करने का भी मन तो क्या मतलब टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि बच्चा गोदी ही नहीं छोड़ता है, तो अभी मॉर्निंग का टाइम है, मैंने आधा काम, मेरी आंखें देखी कैसी हो रही है, क्योंकि रात रात भर मुझे जागना पड़ रहा है, और फिर सुबह उठना ही पड़ रहा है, क्योंकि तक्ष के पापा जाते हैं ऑफिस, इसलिए तक्ष को भी स्कूल भेजना होता है, पूरा घर फैल रहा है, लेकिन अभी इस सब की क्लिपिंग मैं नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मैं जल्दी से सब समेटूंगी, क्योंकि अगर मैं लग गई वीडियो बनाने में तो बहुत सारा काम फिर पेंडिंग रह जाएगा, तक्ष तुषान जो है वो अभी सोए है, तो मैक्सिमम जो काम है वो निपट जाए तो ही अच्छा है। तो फिर जी ये है नेक्स्ट, मतलब उसी दिन इवनिंग का है, और इवनिंग में हमारे ही सोसाइटी में कार्निवल लगा था, स्प्रिंग फेस्टिवल, कार्निवल नहीं सॉरी, स्प्रिंग फेस्टिवल, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और त्रिशान की आवाज़ आ रही है पीछे से, और तो ये देखो त्रिशान हंस रहे थे कैमरा देख के, तो शाम का ही टाइम था, तो ये ना हम लोग कहीं बाहर नहीं गए, आप ये मत सोचिएगा कि बच्चा बीमार है और हम बाहर घूम रहे हैं, ये सोसाइटी में जहाँ मेरा पार्क है ना बैक साइड में, वहीं पे थी, और ये फेस्टिवल वहीं पे लगा है, तो हम कहीं भी बाहर नहीं निकले अपने घर से, बस नीचे उतर के आए और पार्क में ये सब, ये पूरा ये देखिए इतने बड़े बड़े झूले सब वहीं लगे, और तक्ष को ये आप देख रहे हैं, तक्ष चढ़ रहे हैं ऊपर, खूब मस्ती की है बच्चों बच्चों ने वहाँ पे, तो बस यही था, क्योंकि तक्ष का भी मन था, मैंने कहा चलो एक छुट्टी मिलती है, बच्चों के एग्ज़ाम होते तो बच्चों को घुमा लेते, और देखिए सोसाइटी के अंदर ही इतना अच्छा मेला, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ी, और हम लोगों को तो हमने मतलब यहीं पे बच्चे, मतलब तक्ष देखो एकदम ऊपर चढ़ा, मैं आपको पॉइंट करके दिखा भी रही हूँ, वो देखो ऊपर, अभी आपको पूरा दिखाती हूँ, यहाँ पे सारे पेरेंट्स लोग खड़े हैं, ये बना है सेल्फी पॉइंट जहाँ पे सब ले रहे हैं सेल्फी, और ये देखिए आपको दिखाई देती हूँ ऊपर फ्लैट सीरे, तो ये घर के ही मतलब अंदर पार्क वाले रास्ते में ही था, पूरे रास्ते में ये देखिए, अब धीरे धीरे शाम भी हो गई, हम शाम के टाइम में आए थे तो अंधेरा हो गया था, तो बहुत सारे स्टॉल्स लगे थे अंदर, पर्स के, सूट के, साड़ी के, शॉल के, टॉयज़ के, मतलब हर चीज़ के, लगभग सब चीज़ के स्टॉल्स जो है वो लगे थे यहाँ पे, टॉयज़ के भी थे, कपड़ों के भी थे, और काफ़ी मतलब रश था, क्योंकि सोसाइटी के ही लोग थे इसमें, लेकिन काफ़ी रश हो गया था, इवन कलर्स भी थे होली के, कौन से कलर्स बोलते हैं उसको, जिससे कोई मेरे को याद भी नहीं आ रहा, जो जिनसे कुछ नुकसान नहीं पहुँचता है, होममेड कुछ कलर इस टाइप का कुछ था, तो मैंने वो भी लिए होली वाले, रंगोली वाले कलर, यहाँ से मैंने कहा चलो ले लेती हूँ,
तो अच्छे कलर थे, और ये तोरण वगैरह मिल रहे थे बहुत ही अच्छे, क्योंकि हैंडमेड थे, जो लेडी जो बेक रही थी इन्होंने खुद से बनाए हुए थे। और ये रहे आप देख रहे हैं पीछे कलर्स, तो मैं कलर्स हम मैंने भी लिए थे यहाँ पे। तो मैं यहीं पे खड़ी हूँ, तो एक दो भाई सोसाइटी में है, तो आसपास के लोग तो मिलेंगे ही, तो उनसे उनको भी बात कर रहे थे हम लोग। और साथ के साथ मैं यहाँ पे कलर्स देख रही थी। तक्ष भी अपना झूल के आ गया है, और तक्ष की भी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने उसको ज़्यादा देर नहीं मतलब झूलने दिया। मैंने कहा चलो कुछ खा लो और फिर चलते। यहाँ पे तक तिशान की आंटी उसको प्यार करके चले गई है। यहाँ है कैंडी, शुगर कैंडी, तो ये लेने के लिए हम लोग खड़े थे, क्योंकि तिशान को मुझे लगा उसके लायक यही है, और तो वो कुछ खा नहीं सकता अभी, तो बच्चा आया है मेले में तो खिला देते। ये रे गोलगप्पे चाट, मतलब सब कुछ था अंदर। और यहाँ अब हम माँ बेटे लग गए हैं सेल्फी में, तो सेल्फी नहीं सॉरी फोटोज़ में। त्रिशान की भी ले लेते भाई, दोनों भाई की फोटोज़ तो बनती है। और ये त्रिशान का पहला मेला है जहाँ वो गए हैं साथ में। देखो त्रिशान को खांसी हो रही है, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो पीछे से आप सुन ही रहे होंगे। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा क्योंकि बच्चे घर में हैं, तो ये तो चलता ही रहेगा। और मैं वॉइस ओवर ना इसलिए कर रही हूँ क्योंकि डीजे बहुत तेज़ बज रहा था और कॉपीराइट आ जाता, गाने बज रहे थे, तो इसलिए ज़रूरी था कि वॉइस ओवर कर दो तो ज़्यादा अच्छा है। और थोड़ा सा आपको दिखा भी दूँगी कि हम लोगों ने घर पे ही रह के इतनी मस्ती कर ली, और सेल्फी पॉइंट बहुत ही बढ़िया बना था, सच में बहुत बढ़िया बना था सेल्फी पॉइंट। तो यहाँ हमने कुछ फ़ोटोज़ भी ली अपनी मस्ती की खूब सारी। और फिर उसके बाद ना हम खिला पिला के मैं तक्ष को ले गई थी। तक्ष का थोड़ा सा क्लिपिंग मैंने ऐड किया इसमें, दिखाऊंगी, क्योंकि तक्ष तो कर रहा था खूब मस्ती, वो जाने को तैयार नहीं था, मैं उसको ज़बरदस्ती ले जा रही थी। ये देखिए इतना बड़ा पूरा अंदर ही सब कुछ हो गया था, और ये लगा था रात 12 बजे तक लगा था, लेकिन हम लोग शाम 6 से 7 मतलब मुश्किल से 1 या 1.5 घंटे के लिए ही आए थे हम लोग। क्योंकि क्या था ना कि अगर सबसे पहले देखो ये तक्ष ये कर रहा था, सबसे पहले तक्ष को ही हम लोग यहाँ ले के आए थे। अगर नहीं हम पहले आते तो रात को नहीं आ पाते, तो बच्चों की तबीयत ठीक नहीं थी इस वजह से। तो ये देखिए इनकी मस्ती, और फिर से वॉइस ओवर करना पड़ रहा, आप देख रहे हैं ना कि आवाज़ पीछे से मतलब गाने बज रहे हैं। तो ठीक है चलिए अब बच्चों को जल्दी से घर ले जाते हैं, और फिर कल स्कूल की तैयारी करनी है उनकी। नीचे जा रही है, नीचे जा रही है। हाँ नीचे जा रही है। तो जी स्कूल का बैग लेके, तक्ष को लेके, और साथ में एक जना और है हमारे, ये देखिए त्रिशान जी। पहले नहीं आते थे, अब आ गए। ये सुबह सुबह जाग गए, और इनका आजकल रोज का काम है तक्ष के स्कूल के टाइम पे, जैसे हम बाहर आते हैं वैसे मैं इसको लॉक करके आती हूँ। परसों नहीं उठेगा, ऐसे नहीं बोलते, ऐसे बोलते 1:30 उठेगा, ऐसे बोलते हैं। अब परसों ये 1:30 उठेगा। 1 मिनट, तो आजकल तक्ष पकड़ो, प्रेम प्रेम पकड़ो, आजकल ये डेली जो है लेट तक, तो पहले हम लोग आते थे, लेकिन जब से तक्ष को लेके मैं आने लगी हूँ और ये डेली सुबह मॉर्निंग में उठ जाते हैं उस टाइम पे, तो आज इनको भी लेके आए, तक्ष को भी लेके आए। हाँ, तो चलिए मैं इसको छोड़ के आती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। तक्ष को स्कूल छोड़ के आ गई हूँ, और इन जनाब को देखो, ये यहाँ बैठे कुल्लू। घर पूरा आप देख रहे हैं कैसे फैला है बिस्तर, सर्दियों में ना थोड़ा बिस्तर ज्यादा हो जाता है, और मुझे थोड़ा सा क्लीनिंग करना है, तो चलिए काम शुरू करते हैं। लेकिन मुश्किल लग रहा है काम शुरू करना, क्योंकि ये जनाब भी तो जागे हुए हैं, और ये कुछ काम करने दे, ऐसा हो सकता है? बताओ ननू, आप कुछ काम करने दो, ऐसा हो सकता है? बोल दो बता दो हच के। भाई को स्कूल छोड़ा है ना, छोड़ा है ना भाई को स्कूल, डेली उस टाइम पे ये जाग जा रहे हैं आजकल स्कूल छोड़ने के टाइम पे। क्यों गंदा बच्चा, गंदी बच्ची, गुस्सा देखो इनका, अभी से शुरू हो गया, मारूंगी आज अगर टाइम पे काम नहीं करेंगे, पीट दूंगी आज तुमको, पिट्टू पिट्टू हो जाएगी तुम्हारी आज, पिट्टू 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 हो जाएगी मेरे बब्बू को, पिट्टू पिट्टू है ना।
आप देख ही रहे हैं, तक्ष को स्कूल छोड़ के आ गई हूँ। अभी 8:30 बज रहे हैं, तो अब मैं अपना काम शुरू करती हूँ। पूरा घर फैला हुआ है, पहले बिस्तर बिस्तर फोल्ड करके रखूँ थोड़े से, उसके बाद जाके। आज तो धूप अच्छी लग रही है, अभी धूप आ गई है, तो जितना काम हो सकेगा निपटाएंगे, क्योंकि त्रिशान जी भी जागे हुए, और जब ये जागे रहे तो कुछ करने देते नहीं है, तो इसलिए कोशिश करेंगे जितना काम हो जाए टाइम पे हो जाए, है ना। ये लड़का कुछ काम नहीं करने देता, ये लड़का कुछ नहीं करने देता, बहुत बदमाश लड़का है ये। देखो देखो देखो, पीट दूंगी, सब सब देख रहे हैं, गंदा बच्चा है, सब कह रहे हैं, कुछ काम नहीं करने देता ये। पीटो पीटो तुमको, देखो फोन देख के चुप हो गए। पीट दूंगी आज सच में, बाल्टी है बोल दो। चलो जी काम शुरू करते हैं, फोन टाइपर पे लगाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। और दोपहर का टाइम हो रहा है, तक्ष स्कूल से आ गया, तक्ष वो सो रहा है उस साइड। ओके इनको देखो, हेली 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 हची दिखाता फिर, हची दिखा दो एक बार, दिखा दो तो एक बार, बोल दो मुझे नींद नहीं आ रही आज, बोल दो मैंने नींद पूरी कर ली है, नींद पूरी कर ली है, पूरी कर ली है नींद, बता दो मैं गंदा बच्चा हूँ, मैं सोऊंगा नहीं सोऊंगा नहीं, मैं सोऊंगा नहीं, बोल दो मैं सोऊंगा नहीं, मैं नींद खराब करूंगा सबकी, बोल दो बता दो, तो नींद खराब करोगे, छोटा बेबी होके नींद खराब कर लेते हो, कर लेते हो नींद खराब। देखिए इनको, सोए नहीं है, मैं थोड़ा लेटी भी थी ऐसी, थोड़ी देर आराम कर रही थी, और इनको हंसी आ रही है। दिखाओ 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 दिखाओ, बड़ा अच्छा काम कर रहे हो तुम, दिखाओ 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 दिखाओ, अब हंसो, ये देखो, ये देखो इनका खेल शुरू हो गया, मुंह पे ब्लैंकेट, अच्छा मुंह के अंदर ब्लैंकेट, बस कैसे फोन देख रहा, देखो को ओ ओ ब्लैंकेट नहीं, हाँ बता दो। तो ये तो ऐसे खेलते रहेंगे, मैं थोड़ी देर कर लेती हूँ आराम, और फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं, ठीक है ठीक है, बोल दो फिर मिलते हैं, बोल दो फिर मिलते हैं, अभी हम निन्नी निन्नी कर लेते हैं थोड़ा, बोल दो है? मुंह दिखाओ, ओ इनको देख के लग नहीं रहा ये सोने वाले, चलो हम थोड़ी देर आराम करते फिर मिलते हैं आपसे।